भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या और अंतिम रणभूमि श्रीलंका तो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, लेकिन उनकी प्रथम कर्म भूमि, प्रथम रणभूमि, परम तीर्थ क्षेत्र सिद्धाश्रम बक्सर के बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। जबकि समर्थ भारत के लिए उस परम तीर्थ के गौरव का पुनर्जागरण अत्यंत आवश्यक है। बिहार राज्य में गंगा के पावन तट पर विराजमान वो परम तीर्थ क्षेत्र सिद्धाश्रम बक्सर इस वर्ष की देव दीपावली के अवसर पर पूरे विश्व में चर्चा के केंद्र में होगा, क्योंकि इसी दिन से विश्व सनातन संस्कृति समागम का 9 दिवसीय विराट आयोजन प्रारंभ हो रहा है। इस विराट समागम में भारत के विश्व विख्यात संतों, जगत गुरुओं के साथ ही विश्व के कोने कोने से सनातनी संत, विचारक, कलाकार, योजनाकार, कवि, नीति निर्माता भी उपस्थित रहेंगे। ये वो पुण्य भूमि है जहां कोमल व सुंदर अयोध्या के राजकुमार श्री राम व श्री लक्ष्मण बिना किसी सेना के युद्ध करने आए थे। अपने गुरु महर्षि विश्वामित्र के आदेश पर श्री राम ने त्रिलोक में कुख्यात ताड़का वो उसके पुत्र सुबाहु का वध कर भारत की ऋषि संस्कृति की रक्षा के अभियान का सूत्रपात किया था। बक्सर तीर्थ क्षेत्र के गौतम आश्रम अहिरोली गंगा तट पर करीब 100 एकड़ भूमि पर राम राज्य की ऐसी मनोहारी छटा निखरेगी जिसमें पराक्रमी भगवान श्री राम के दैहिक, दैविक, भौतिक तापा राम राज नहीं काहू ही व्यापा का भाव संदेश पूरे विश्व में फैलेगा। यज्ञ, कथा ज्ञान यज्ञ, अंतर्राष्ट्रीय विचार यज्ञ, विश्व प्रसिद्ध कलाकारों के साथ साथ पूरे भारत की लोक कलाओं के माध्यम से श्री राम के सामर्थ्य व प्रासंगिकता का साक्षात्कार कराने वाला ये विराट संस्कृति समागम समर्थ भारत का मंगलाचरण होगा।